गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी फर्स्ट पार्ट था, जिसका पहला क्वेश्चन था अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट। तो रेप्लिशनेबल यानी जिसकी भरपाई की जा सकती है, लगातार मिलने वाला एनर्जी है जिसकी भरपाई की जा सकती है। विच फाइबर इज़ नॉन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट जो है उसको हम लोग गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं, के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका रेशा सुनहरे रंग का होता है, इसमें चमक होती है, जिसके कारण से इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड। तो ये रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ साल 1992 में। तो जो रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो अर्थ समिट हुआ, उसमें एक एजेंडा प्रस्तुत किया गया जिसका नाम था एजेंडा 21। इसके अंतर्गत जिसका एम जो था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करना 21वीं शताब्दी में। सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है रिसोर्स का एक प्लानिंग के साथ में इस्तेमाल करना, ताकि हम लोग वर्तमान में प्रेजेंट में अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए रिसोर्स का इस्तेमाल करें और आने वाले भविष्य के लिए भी रिसोर्स को बचा के रखें, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो एनवायरनमेंट को जो डैमेज पहुंचा है ना, उसका सामना करना, ये भी एजेंडा 21 का एक उद्देश्य था। इसके अलावा पॉवर्टी, गरीबी, डिजीज़, बीमारी जैसे प्रॉब्लम्स का ग्लोबल कोऑपरेशन के माध्यम से आपस में मिलजुल करके उसका सामना करना भी इसका उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रेजेंट जनरेशन, जो वर्तमान में जो जनरेशन है उसको बचा कर चलना और आने वाले जनरेशन के लिए भी एक ऐसा माहौल तैयार करना ताकि वो पीसफुली रह सके। तीसरा जो क्वेश्चन है, सॉरी पांचवा जो क्वेश्चन है वो है राइट थ्री चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसमें पहला होगा हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया गया ताकि बेटर आउटपुट मिल सके, और जिसका असर हमको देखने को मिलता है वीट और राइस जैसे क्रॉप्स में, जिनमें प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ गया। बहुत सारे इरिगेशन कैनल्स यानी नहरों का निर्माण किया गया, जिसने न केवल उन क्षेत्रों तक पानी को पहुंचाया जहां पहले पानी की कमी थी, बल्कि इसका इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट ये पड़ा कि जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन था वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा होने लगा। इसके अलावा थर्ड पॉइंट था फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में काफ़ी हद तक बढ़ा, जिसके कारण से फसलों के पैदावार में बढ़ोतरी हुई।